गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन्स। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने क्वेश्चन दिया था और उसके साथ इंस्टाग्राम पे भी मैंने दिया था बट यू वांट टू नो अबाउट मी, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस मुझे मिला है तो मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम और कम्युनिटी पोस्ट दोनों को कंबाइन कर देती हूँ। कुछ आंसर्स का मैंने आंसर कर दिया लेकिन इस वीडियो पर मैं कंबाइनली 10 क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। और ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली अबाउट मी है तो इसमें मैं अंडमान के रिलेटेड और हेयर केयर रिलेटेड स्किन केयर रिलेटेड कुछ भी नहीं ले रही हूँ, जस्ट मैम अबाउट मी देने वाली हूँ। और ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को जानेंगे इन दिस लॉकडाउन पीरियड, दोस्ती बढ़ाएंगे और सेफली घर पे बैठेंगे, ठीक है। ये वीडियो हो सकता है कि मैं घर के अलग 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 कॉर्नर पे बनाऊँ क्योंकि मुझे घर पे मतलब अंदर बैठे रहना और अच्छा नहीं लग रहा है और क्योंकि दिन का टाइम है तो बाहर में भी अच्छा खासा लाइट है तो इसीलिए बाहर आ गई हो। तो जो मेरा पहला सवाल था मेरे चैनल का वो मुझे पूछा था मेरी प्यारी 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 दोस्त चंदना ने। तो चंदना ने मुझे पूछा है कि मेरे अंदर और क्या टैलेंट है, एनी क्रिएटिव आइडियाज़, तो उन्होंने पूछा मुझे। तो एक्चुअली मैंने ना तब मैंने भी सोचा कि मेरे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जो कि क्रिएटिव है। तो ना तो मुझे पेंटिंग आती है, ना तो मुझे डांस आता है, ना तो मुझे सॉन्ग आता है, बट आई गेस कुकिंग एक क्रिएटिव टैलेंट है जो मैं कर लेती हूँ। और मैं खुद की अच्छाई तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ मेरे फैमिली फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं अच्छा खासा खाना बना लेती हूँ तो मे बी कुकिंग इज़ अनदर क्रिएटिव आइडिया। लेकिन इंडिया के हर एक लड़कियों को मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग आता है तो ये कुछ अलग तो नहीं है, बट या आई नो कुकिंग, ऐसा बस इतना ही है। और हाँ मुझे DIYs करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब DIY स्क्रब, DIY फेस वाश, शैम्पू, आप सबको पता ही है वो। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो मुझे उनका नेम नहीं था इंस्टा पे बट यूज़र नेम रखा हुआ था जो मैं भी भूल गई हूँ। उन्होंने मुझे पूछा है कि आपका फेवरेट फूड क्या है। तो एक्चुअली मेरा फेवरेट फूड बहुत कुछ है लेकिन आई गेस पानी पूरी मेरा फेवरेट है मुझे जहाँ तक लगता है, बट मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मुझे करेला भी अच्छा लगता है, मैं ऐसी वाली एक प्राणी हूँ। तो यहाँ पे ना चिड़िया बहुत चिक 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 कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हाँ सब कुछ ही मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ जो खट्टा फ्लेवर जो है ना जो भी चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो पानी पूरी, अब मैं पानी पूरी को नंबर वन पोजीशन पे ला रही हूँ, पानी पूरी। नेक्स्ट जो सवाल है ये है कि आपका फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज़ क्या है। तो चाइल्डहुड के सारे बात ही अच्छा होता है लेकिन उस मोमेंट में समझ नहीं आता है कि ये फेवरेट मेमोरीज़ बनने वाला है क्योंकि या तो हम उसका बहुत डांट सुनते हैं या तो हमें बहुत मार मिलती है उस चीज़ का। तो मुझे भी मिली थी उस मेमोरीज को लेकर, जिस मेमोरी के बारे में मैं आपको बोलने वाली हूँ, तो अभी भी हम उस बात को लेकर हंसते हैं। तो मेरा एक डॉग हुआ करता था जब मैं डिगलीपुर में किशोरी नगर पे रहती थी, उसका नाम कुतू था, KUTU कुतू। सो वो पूरा ब्लैक डॉग था और ऐसी हाँ स्ट्रीट डॉग ही था। मैंने उसे मतलब मम्मी ने उसे लाया था कहीं से और हमने उसे पाल पोस के बड़ा किया था। तो कुतू मेरा एक्चुअली भाई था क्योंकि वो मुझसे शायद मेरा एज का ही था शायद, तो हर बात सुनता था, मेरा चमचा टाइप का था वो। तो मैं मतलब क्या बोलूँ कुतू के साथ मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। तो कुतू हर दोपहर को ना हमारे घर के लाइक 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक ड्रम को गड्ढे के अंदर एक ड्रम को फिट किया गया था, आई डोंट नो कैसे, मतलब उस ड्रम के अंदर पानी था। तो पानी जब भर जाता था तो कुतू उससे पानी पीता था क्योंकि मतलब ड्रम तो अंडरग्राउंड में था और कुतू जब पानी पीता था तो मैं उसको ना देखती रहती थी कितना मतलब चाह से वो पानी पी रहा है। तो मैं तो कुतू को भाई सोचती थी, मेरा भाई सोचती थी। तो एक दिन मैं कुतू को अच्छे से देखी, वो कैसे करके पानी पी रहा है, मतलब कुत्ते कैसे पानी पीते हैं ना ऐसे जीप से लेकर पानी पीते थे। तो मैंने सोचा जब कुतू ये पानी पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकती हूँ। तो मैंने ना वहाँ पे एक मग था, एक्चुअली वो जो ड्रम वहाँ पे रखा था वो पैर वैर धोने के लिए रखा था क्योंकि वहाँ पे लेबर्स बहुत थे जो एग्रीकल्चर के लेबर्स हैं वो। तो मैंने उस मग से पानी उठाया और मैंने पिया तो मुझे फील हुआ जैसे मैंने अमृत पी लिया क्योंकि वो पानी ग्राउंड मतलब वो जो ड्रम था वो ग्राउंड के अंदर पे था तो इतना ज़्यादा ठंडा था। और तब हमारे घर में फ्रिज नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा वो ठंडक एकदम गले में लगा। तो मुझे फील हुआ कि कुतू को इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, इसीलिए वो इतना चाव से दोपहर को आके पीता है।
फिर मैं स्कूल में गई और इस बीच में मैं पानी पीती थी हर दिन, मैं भी कुत्तों के साथ जाके मैं भी दोपहर को पानी पीती थी उस ड्रम से। तो एक दिन दोपहर में मतलब स्कूल गई थी मैं, तब क्लास 3 में थी और दोपहर में लंच ब्रेक था और मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं ऐसी बात कर रही थी तो हम पानी रिलेटेड कुछ बात कह रहे थे और ठंडा पानी ऐसा कुछ। तो मैंने कहा कि तुम्हें पता है मेरा जो भाई है कुतु वो ठंडा पानी पीता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो शौक हो गए कि ठंडा पानी क्या। उनको मैं ले गई वहाँ पे लंच ब्रेक पे, जैसे गए तो सब मुझे बोलने लगे कि छी तुम ये पानी पीती हो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं ये पानी पीती हूँ, तो उसमें क्या जाता है। तो वो नहीं मान रहे थे, छी ये पानी कोई पीता है कि इसमें पत्ती गिरा है, ये वो गिरा है, कुत्ता पीता है। तो मैंने कहा कि मतलब मैंने थोड़ा सा तब फेंक दिया, मैंने बटर था मेरे पास और मैंने चिकन बना दिया। तो मैंने कहा कि ये तो पानी मेरा पूरा फैमिली पीता है। तो वो जैसे सुने कि वो शौक हो गए, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने वहीं से वो मग उठाया और वहीं से मैं पानी पीने लगी और मेरा जो ये सब कुछ मैं जो कर रही थी स्कूल के टीचर वो देख रही थी और स्कूल क्योंकि पास था तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि मैडम देख कर जाओ तनु क्या कर रही है। तो मम्मी ने ऊपर से मुझे देखा और देखते साथ ही मम्मी ने तब कहा कि वहीं पे रुक जा। तो मुझे लगा कि मम्मी मुझे अप्रिशिएट करने आ रही है और मम्मी जैसी आई दूसरी लड़कियों को मम्मी बोली कि तुम लोग सब चले जाओ और मम्मी ने मुझे वहीं पे पटका और वहीं पे मुझे मारा। तो तब वो मेमोरी मेरे लिए बहुत दर्दनाक बन गया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अगर एक एडल्ट के नज़र से उस इंसिडेंट को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी मतलब प्यार करती थी मेरे पेट को कि मैं उसको इतना अपना मानती थी। उसके बाद बड़ी होने के बाद भी मम्मी मुझे जब मारती थी तो मेरी मम्मी का एक ये था कि मम्मी जब मुझे ऐसे मारती वारती थी या फिर अगर मैं कुछ गलती करती थी तो मम्मी का एक नेचर है कि मम्मी बचपन से जो मैंने पाप किया है वो सारा पाप एक दिन में बोलती थी। मतलब हम लोग कहते थे कि मम्मी ने महामारत शुरू किया है, तो मम्मी तब ये बोलती थी कि तुझे तो मैं बचपन से जान गई थी जब तूने उस ड्रम से पानी पिया था। तो ये मेरी मम्मी हर वक्त मुझे बोलती है। मुझे तब वो मेमोरी उतना अच्छा नहीं लगता था बट अब मेरे लिए वो गोल्डन मेमोरीज है। पानी सच्ची बहुत ज़्यादा ठंडा था। मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो है ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में। सो ड्रीम डेस्टिनेशन मेरा पेरिस है और क्योंकि मैंने क्वीन मूवी देखा है और क्वीन मेरा फेवरेट मूवी है तो पेरिस, अब तक के लिए तो पेरिस है। जो सवाल आया ये मैंने पहले भी मना कर दिया था, ये सवाल मुझे मत पूछो, फिर भी इंस्टा पे मुझे किसी ने पूछा तो उन्होंने पूछा कि शादी कब करनी है। तो शादी जब करनी होगी मैं आपको बता दूंगी, आप लोग आ जाना गिफ्ट लेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सवाल है ये मुझे पूछा है डेवा ने, उनका जो यूज़र नेम था डेवा था, मुझे नहीं पता उनका नाम डेवा ही है या नहीं। तो डेवा ने पूछा है कि आपके घर में कौन कौन है अभी। तो अभी मेरे घर में मतलब मेरे जो कोटब्लेयर के घर पे है मेरी नानी मतलब मेरी मैटरनल ग्रैंड मदर, मेरे दोनों भाई और मेरे कज़िन मामा के बेटा और बेटी ये है, और मेरी मम्मी फॉर जॉब पर्पस मिडिल अंडमान में मोहनपुर नामक एक गांव में है। तो नेक्स्ट जो सवाल है ये अच्छा सवाल है एक्चुअली, ये है कि आर यू क्राई बेबी। तो मे बी आई एम ए क्राई बेबी, लेकिन मैं इसको क्राई बेबी नाम से नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने मेरे वीडियो पे बहुत बार रोया है। मे बी इसलिए आपने ये सवाल मुझे पूछा है। आई एम एक्चुअली वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमोशनल पर्सन, क्योंकि मैं अगर मेरे इमोशनल नेचर पे बात करूँगी तो मैं रो पड़ूंगी। मैं ऐसी एक इंसान हूँ, मेरे सामने अगर कोई रोता है तो मैं अपना आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। आई रियली वॉन्ट टू बी टफ पर्सन, मे बी इन फ्यूचर बन जाऊँगी। मैं बहुत टफ बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने टीयर्स को अपने कंट्रोल पे ला सकूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे नियर एंड नियर वन मुझे कहते हैं कि मेरे आँखों में फायर ब्रिगेड लगा हुआ है क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे बात पे मैं रो देती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा वाला नेचर को ना लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ खुद को। फिर मैंने मेरे वीडियोस में भी बहुत बार रोया है। फैन ने मुझे पूछा है को कौन सा जगह ज़्यादा पसंद है, अंडमान या फिर दूसरा कोई जगह। तो मुझे एक्चुअली अंडमान ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मुझे मेलैंड भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं बोलूँगी। जहाँ पर भी लहर लेते हैं वहाँ पर प्यार हो जाता है। अभी केरला में हूँ फिलहाल के लिए, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आई नो जब केरला भी दिन रह लूँगी और जब जाने का वक्त आ जाएगा केरला भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाएगा। तो फेवरेट जगह तो मेरा लिए अंडमानी है क्योंकि मेरे फैमिली है ना वहाँ पे, इसलिए। बट नेक्स्ट अगर आप मुझे पूछे तो कराड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। हाँ बैंगलोर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे नेक्स्ट सवाल जो पूछा है उनका नाम है मृदुला। मृदुला ने मुझे पूछा है कि एनी प्लान फॉर गोइंग बैक टू अंडमान। तो हाँ जी प्लान तो है और ट्राई करेंगे, अगर हो जाए तो अच्छा है। जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि आपका प्राउड मोमेंट क्या है लाइफ में। तो फर्स्ट जो प्राउड मोमेंट है वो ये तब का है जब मेरे
छोटे भाई ने टोटल अंडमान में जब थर्ड रैंक स्कोर किया था 12th में, तब मेरे एंटायर फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट था. और उसने बहुत सारे बहुत किसी का मुंह बंद करवा दिया था जो मेरे मम्मी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और परवरिश में क्वेश्चन करते थे. और जो सेकंड प्राउड मोमेंट है वो तब का है जब मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरी मम्मी के साथ मुलाकात हुआ था, एंड दैट वाज प्योरली को इंसिडेंटल. और उनका नाम है रिया सैन जी. मैंने उनके लिए एक अलग थैंक यू नोट बनाया है, वीडियो बनाया है सॉरी, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो कैसे मेरी मम्मी के साथ उनका मुलाकात हुआ. और बहुत अच्छा लगा उस दिन. मम्मी ने मुझे कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. और अब आ गया है लास्ट सवाल में, और वो है आपने डालगोना कॉफ़ी ट्राई किया या नहीं. तो अब तक तो नहीं किया है, लेकिन टिकटॉक इंस्टाग्राम यूट्यूब में वायरल हो गया है ये जो मतलब कॉफ़ी है ये. और मैं एक्चुअली कॉफ़ी पर्सन हूँ नहीं. मेरे घर पे जो कॉफ़ी रखा हुआ रहता है वो मेरे फ्रेंड्स के लिए रखा हुआ रहता है, अदरवाइज़ मैं मेरे बालों की इयररिंग्स के लिए ट्राई करती हूँ. मैं कॉफ़ी बहुत कम पीती हूँ, मतलब बहुत कम. मुझे चाय चाहिए. सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. मैंने बहुत कुछ बताया है मेरे बारे में, छोटे छोटे. आई डोंट नो कि आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना. और उसके साथ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. और हाँ, और भी अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए जिसमें मैं छोटे छोटे मेरे लाइफ के सीक्रेट अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. और आपके सवाल भी मुझे बताना. तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक. टिल देन आप रहिए खुश खाई, हेल्दी एंड रहिए फिट. बाय बाय माय लवली लवली फ्रेंड्स.